मामला अलीगढ़ के कासिमपुर पावर हाउस का है, जहां पावर हाउस में राख डंप से आसपास के कई गांव में तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। ग्रामीणों की फसल खराब हो रही है, जिसको लेकर आसपास के दर्जनों ग्रामीण पिछले 12 दिन से धरने पर बैठे हैं और जिला प्रशासन व राज्य सरकार से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कासिमपुर पावर हाउस के निकट पावर हाउस का राख डंपिंग है, जहाँ पावर हाउस से निकलने वाली राख को फेंका जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग पर फेंके जाने वाली राख तेज हवा से उड़ती है और आसपास के करीब आधा दर्जन गांव में फैलती है, जिससे कि ग्रामीणों को बीमारियां पनप रही हैं। इससे फसल को भी भारी नुकसान हो रहा है। वहीं समस्या को लेकर आसपास के दर्जनों ग्रामीण धरने पर बैठे हैं और जिला प्रशासन व राज्य सरकार से डंपिंग पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसा इनकी चार पांच मांगे हैं, जिनमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण मांग यह है कि 5 किलोमीटर के कासिमपुर पावर हाउस के 5 किलोमीटर के इलाके में 24 घंटे बिजली दी जाए। तो उसके लिए हमने इन्हें ये कहा है कि हम जो ज्ञापन है वो संबंधित जगह भेजेंगे, और यहाँ पूर्व जिलाध्यक्ष भी आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो भी लगेंगे और हम लोग भी यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे शासन स्तर से, जो संभव होगा वो कराने की कोशिश की जाएगी। धरने का समापन हो गया या नहीं? हाँ, धरने का समापन हमने इन्हें आश्वस्त किया है। दूसरा इनकी मांग थी यहाँ वो राख का जब तक उठान ना हो, जब तक यहाँ वो ना हो, फव्वारे वगैरह ना हो, तो छिड़काव कल से प्रॉपर होगा और राख नहीं उठेगी। जब तक किसी सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं होगा तब तक राख यहाँ से ठेकेदार जी। बिजली को लेकर 18 घंटे लाइट का शेड्यूल है ग्रामीण क्षेत्र में, वो तो अभी भी नहीं आ रही, उसके लिए क्या कहना है? नहीं, अभी एक्सीएन साहब से बात हुई है, बीच में जो आंधी वांधी आ गई थी उसमें डिस्टर्ब हो गई है लाइट, कल से प्रॉपर आने लगेगी।